किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सपदान्तिकम्। वृन्दायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर समस्त गुरुवर्ग के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। विशेष करके जिनके आज तिरोभाव तिथि श्रीमान महाप्रभु के प्रिय परिकर श्रील रूप गोस्वामीपाद एवं श्रील गौरीदास पंडित उन लोग चरण विशेष विशेष दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन श्री श्रीधर महाराज नरसिंह महाराज परमहंस महाराज वैष्णव आदि और समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। जैसे आप लोगों का बताया था बिना मास्क एंट्री नहीं है राधा दामोदर मंदिर में, सब मास्क पहन के जाएंगे। दूसरी बात जिनका चश्मा है अगर बंदर को डोनेट नहीं करना है तो चश्मा मठ से निकलने के पहले ही जेब में भर लीजिए। और इधर रास्ता बहुत गंदा है, मैं उधर से हम लोग निकलेंगे। और देखिए अपना मोबाइल ये मोबाइल नहीं, ये जीवन है। अब ऐसे हो गया मोबाइल के बिना जी नहीं सकते हैं हम। हम जीवन छोड़ सकते हैं, मोबाइल नहीं छोड़ सकते, ये जो देख रहा हूँ। इसलिए मोबाइल सावधान रखना है और पर्स भी, नहीं तो कंप्लेन नहीं करना मेरा मोबाइल कोई ले लिया, पर्स गुम हो गया। इसलिए सब सावधानी से रहेंगे। जैसे हम लोग प्रतिवर्ष करते थे उधर जाके हरि कथा कहते थे, आज इस समय समय नहीं है इसलिए इधर हरि कथा करके उधर जाएंगे। मैं समस्त सन्यासियों को निवेदन करता हूँ 5 से 7 मिनट के अंदर रूप गोस्वामी के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें, जैसे हम लोग हर साल समाधि में करते थे। सबसे पहले मैं श्रीधर माई से निवेदन करता हूँ हरे कृष्ण। अरे बोले दिन, अच्छा ठीक है। श्रीधर माई बोल रहे हैं नरसिंह महाराज, मुझे नरसिंह क्या कहते हैं, नरसिंहदेव शब्द विघ्न विनाशन करते हैं, घोड़ी सामने है, मुझे कहना न पड़े 7 मिनट के अंदर समाप्त करना है। श्री नरसिंह महाराज ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद आददानं स्त्रिनं दन्ते हृदं याचे पुनः पुनः श्रीमत रूप पदाम्भोज धूलिशात जन्मनि जन्मनि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मदीय दीक्षा शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्कृष्ण भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्कृष्ण भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मंचस्थासीन पूज्यवाद माधव महाराज पूज्यवाद श्रीधर महाराज परमहंस महाराज वैष्णव महाराज के चरणों में शत्रु प्रणाम। सभी वैष्णव वैष्णवी सभी भक्त लोग सभी को यथाज्ञ प्रणाम। आज बड़ा शुभ दिन है। हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस रूप सनातन गौड़ीय मठ में श्री रूप गोस्वामी के तिरुभाव तिथि गुरु जी के अनुगत्य में पिछले 30 साल से तो मैं यहाँ देख रहा हूँ। इतना साल महाराज चालू हो गया, इसको 30 साल लगभग हो गया ना। 91 से मैं तो देख रहा हूँ, 87-89 में इसका उद्घाटन हुआ था ये मठ का, तब से चल रहा है। मैं 91 से तो देख ही रहा हूँ, इसमें लगभग 30 साल सो ये रूप गोस्वामी का उत्सव इस मठ में, ये रूप सनातन मठ को भी 32-33 साल हो गए। तो इस प्रकार ये तब से गुरु जी के अनुगत्य में ये रूप गोस्वामी की तिथि हम आकर के यहाँ पर झूलन मथुरा में करके यही आते थे। मथुरा में झूला झूला करके यहाँ पर आकर के महाराज जी यहाँ झूला झूलाते थे। उसके पश्चात यहाँ पर पूर्णिमा तक रह करके रूप गोस्वामी की तिथि मनाते थे। तो ये रूप गोस्वामी जिनके नाम से रूप सनातन गौड़ीय मठ भी हैं, तो इसमें कुछ तो रूप गोस्वामी हमारे चैतन्य महाप्रभु के षड् गोस्वामियों में अन्यतम महाप्रभु के प्रिय पात्र हैं। तो उनकी महाप्रभु उनके ऊपर इतनी कृपा की महाप्रभु उनको स्पेशल लाने के लिए भी राम के लिए गांव में पहली बार उस समय वही मालदा के पास में राम के लिए ग्राम है, इस बांग्लादेश के बॉर्डर में अभी पड़ता है। तो वहाँ पर हुसैन शाह बादशाह की राजधानी, तो वहाँ पर ये दोनों भाई रूप और सनातन दोनों वहाँ मंत्री थे। किस प्रकार वहाँ से राजा के यहाँ से मंत्री पद छोड़ करके इस वृंदावन में आकर के भजन किया, महाप्रभु उनके ऊपर कैसी कृपा की। रूप और उनके छोटे भाई श्री वल्लभ दोनों महाप्रभु को मिलने के लिए वहाँ से जैसे उसे छूट करके अपने राज कर्मचारी राज वित्त मंत्री थे, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ से छूट करके सनातन गोस्वामी को तो बंदी बना दिया वहाँ पर। रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई वल्लभ वहाँ से महाप्रभु को मिलने के लिए प्रयाग में आए। प्रयाग में पहला दूसरा मिलन, और प्रयाग में जहाँ पर अभी प्रयागराज इलाहाबाद जिसको कहते हैं, वहाँ पर महाप्रभु जी के साथ में रूप गोस्वामी की जो कृपा की, तो पारावार शून्य भक्ति रस सिंधु तुमार चखाई व अमितार एक बिंदु। ये भक्ति हमारी भक्ति रस आचार्य जिनको रसाचार्य रूप में महाप्रभु जी को घोषित किया, जैसे हरिदास ठाकुर को नामाचार्य, जीव गोस्वामी को तत्वाचार्य, ऐसे रूप गोस्वामी को रसाचार्य। जो रस क्या चीज़ है, भक्ति रस जो है, इसको महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी के अंदर में शक्ति संचरित कर दी। वृंदावनीयाम रसकेली वार्ताम कालेन लुप्ता निजगुप्त वित्त संचार्य एव श्री रूप। रूप गोस्वामी के अंदर जिस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने सब तत्वों को प्रकाशित किया था, संचारित किया था, उसी प्रकार रूप गोस्वामी के हृदय में महाप्रभु सभी तत्व और सभी भक्तों को कहा। आप इस जिस समय महाप्रभु को मिलने के लिए रूप और नवदीप वहाँ से जगन्नाथपुरी गए थे, तो सभी भक्तों को कहा इसके ऊपर कृपा करो आप, हाँ ये भक्ति रस का ये प्रचार करें। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी महाप्रभु के कितनी कृपा पात्र हैं। उनको भक्ति पारावार शून्य भक्ति रस सिंधु, ये भक्ति अथा समुद्र है, था जिसका नहीं आर पार जैन नहीं है, ऐसा भक्ति से महाप्रभु ने उनको स्वयं कहा कि आपको मैं इसका एक बिंदु चखा रहा हूँ। और महाप्रभु स्वयं जब पहली बार महाप्रभु को मिलन हुआ वहाँ पर अडाइल त्रिवेणी संगम के पास में, वहाँ पर
महाप्रभु जी विप्र घर में रुके थे, तो वहाँ उन्होंने रूप गोस्वामी आकर के उन दंडवत प्रणाम किया। तो वहाँ पर महाप्रभु जी उनको आलिंगन देके उनके चरणों उनके सिर पर अपना चरण रखा और कहा कि तुम भक्ति रस का प्रचार करो। तो वृंदावनियाम रस के लिए वार्ता में ये वृंदावन का भक्ति रस सब लुप्त हो चुका, वृंदावन भी लुप्त हो चुका था। महाप्रभु आने से पहले भूगर्भ लोकनाथ गोस्वामी के भेजा, उसके बाद में षड गोस्वामी को भेजे, तब ये जाके हम जो हम लोग वृंदावन देख रहे हैं। वृंदावनियाम रसकेली वार्ताम काले न लुप्ता, ये वृंदावन भी लुप्त हो चुका था, वृंदावन की रस वार्ता लुप्त हो चुकी थी। महाप्रभु ने फिर से इन रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी को भेज करके, ये तो पहले इनका नाम अमर संतोष, फिर इनका नाम आमिर दबीर खास साकर मल्लिक, फिर इनका ही दबीर खास ही बाद में तुम आपसे रूप और सनातन। तो ये रूप सनातन जिन्होंने भक्ति शास्त्र की जो क्या हमारे लिए देन है, इसलिए पूजा हमारे महाराज जी ने यहाँ पर ये मठ की स्थापना की, रूप सनातन गौड़ी मठ। और ये प्रतिवर्ष ये रूप गोस्वामी के ऊपर उनके विशेष अवदान का यहाँ पर हम लोग कीर्तन करते हैं। तो रूप गोस्वामी जो हमारे यदि यम कलि रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कोठार कौन उगाड़ती, ब्रज प्रेम की जो कोठारी है उसकी कौन उगाड़ता यदि रूप गोस्वामी नहीं आते। रूप गोस्वामी यदि शरीर धारण नहीं करते, रूप गोस्वामी ने ये पूरा भंडार जो रस का भंडार है इसमें हमारे भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नील में ग्रंथों में जो भर के रखा है और बहुत सारे उन्हें ग्रंथों की रचना की, परंतु इसमें ये दो ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी हमारे वही हमको उपलब्धि करना है कि वो रूप मंजरी रूप गोस्वामी की जो क्या देन है वो हमारे गुरुदेव की कृपा से अगर हम गुरुदेव को समझेंगे, उन्होंने हमको गुरु समझाया, तो ये रूप गोस्वामी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग उनके कुछ छोटे पोटे समझ पाएँ, हमारे गुरुदेव रूप गोस्वामी हम पर कृपा करें, यही आज उनके त्रिभाव तिथि में उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। वंशा कल्पतरु कृपा सिंह। अब श्री श्रीधर माई से अनुरोध करता हूँ, स्टैंड दे दो, सब लोग सात सात मिनट करेंगे, बहुत वक्ता है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञान तिमिरा मंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सर्वर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील माधव महाराज नरसिंह महाराज अन्य अन्य त्रिदंडीपाद समस्त वैष्णव वैष्णवियों को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्री रूप गोस्वामी की विरह महोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए हम लोगों ने यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिस तिथि को हमारे गुरु जी बड़े धूमधाम से पालन करते थे। सबसे ज़्यादा अगर उनकी किसी में ज़्यादा उत्साह दिखता था हमारे गुरुदेव को, इसलिए गुरुदेव ने जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा होता है 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा, गुरुदेव किसको किसी स्थान पर निमंत्रण दे व नहीं दे
लेकिन गुरुदेव एक जगह पर जरूर सबको बोलते थे आना। बताओ तो कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? तेर कदम। जरूर गुरुदेव बोलते थे वहाँ जरूर आई हो वहाँ पर। बोले क्यों? बोले जो तेर कदम है ये रूप गोस्वामी का ये भजन स्थली था, इसलिए हम लोग श्री रूपानुग वैष्णव है, इसलिए महाराज जी सबको वहाँ पर गुरुदेव बुलाया करते थे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, यद्यपि चार वैष्णव संप्रदाय हैं लेकिन हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आए, ये समझो पता नहीं हमारी कितनी करोड़ों जन्म की सौभाग्य से हम लोग श्री गौड़ीय संप्रदाय में। और अगर हमें कोई पूछे भैया तुम्हारा क्या परिचय है, क्या परिचय तुम्हारे है, हम एक परिचय देते हैं, कहते श्रील प्रभुपाद की धारा में हम लोग ने श्री रूपानुग गौड़ीय वैष्णव। अरे ये बात को बोल करके हम बड़े गर्व अनुभूति करते हैं, हम श्री रूपानुग गौड़ीय वैष्णव, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान जो इसी में आए। इसलिए महाप्रभु जब इसी जगत में आए वो अकेले नहीं आए, वो पूरा के पूरा अपना धाम, बोले धाम नहीं अपना निकुंज मंदिर को उन्होंने इस जगत में उन्होंने उतार दिया, पूरा निकुंज मंदिर को उन्होंने उतार दिया यहाँ पर। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। अभी प्रश्न होता है भैया ये रूपानुगतम है क्या चीज़, जिसको बोल करके हम अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु इनका नाम ही रूप रखा। अरे सुन रहे थे ना पहले दोनों भाई का नाम अमर संतोष था, दबीर का साकरवली, लेकिन महाप्रभु ने इनका नाम रूप और श्री सनातन गोस्वामी रखे। छह गोस्वामी में यद्यपि सनातन गोस्वामी बड़े भाई है लेकिन जब हम जय ध्वनि देते हैं ना छह गोस्वामी को, पहले किसका नाम आता है? जय रूप, इनका ही नाम सर्वप्रथम आता है। अरे इनका नाम उन्होंने रूप क्यों नाम दिया है, क्या कारण है? बोले कारण है इसलिए श्री जीव गोस्वामी इनका शिष्य ने एक अष्टक लिखे हैं, जिस अष्टक में वो कहते हैं ये किसका रूप है, ये कृष्ण का भी रूप है, ये महाप्रभु का भी रूप है, ये राधा रानी का भी रूप है और श्री स्वरूप दामोदर का भी रूप है, ये सभी का रूप श्री ये रूप है। इसलिए सबका ये रूप होने का नाते सभी का जो हृदय की जो भावना है ये रूप गोस्वामी के अंदर में विद्यमान। कहते रूप, रूप मतलब क्या है? बोले भक्ति रस धारा को जो रूप रूप में जिसने परिवर्तन किया है, जिसका उन्होंने रूप दिया है। इसलिए गुरुदेव कहते थे इन्होंने भाव का क्या रूप है, साधन का क्या रूप है, प्रेम का क्या रूप है, स्नेह का क्या रूप, सारे प्रेम का उन्होंने जो रूपाय अतिथि रूप सबको जो ने रूप प्रदान किया ये रूप गोस्वामी। इसलिए श्री कवि कर्णपुर ने जब इनकी वंदना की ना उन्होंने रूप का तो झरी लगा दिया उन्होंने, बोले प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे ततान रूपे सहजावि रूपे प्रेम एक रूपे, उन्होंने रूप रूप बोल करके उन्होंने पूरा पूरा उन्होंने झरी लगा दिया ये सबका रूप श्री ये रूप गोस्वामी हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अभी सुन रहे थे ना, बोले श्री चैतन्य मनभीष्टम स्थापितम जैन भूतले। इन्होंने विशेष क्या महत्व उन्होंने प्रदान की? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अभीष्ट को जगत में जिसने प्रचारित किया है। कहते ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते ये कोई साधारण नहीं, कहते राधा भाव दूति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, जिन्होंने कलियुग में राधा रानी की भाव और अंग कांति लेकर के श्री सच्ची नंदन गौर हरि रूप में जिसने इसी जगत में आए महाप्रभु, और आकर के उन्होंने दिया किया। उन्होंने क्यों आए, किस लिए आए और इनके प्रति हम इतने ऋणी क्यों, अगर यह चीज को अगर किसने बोला तो श्री रूप गोस्वामी ने बोला। इसलिए गुरुदेव इसके ऊपर बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। महाप्रभु ने बचपन में जैसे उन्होंने तैथिक विप्र को उन्होंने अष्टभुज रूप में दर्शन कराया लेकिन मना कर दिया, अगर बोलोगे पूरे चक्र से छर काट दूंगा। उन्होंने केशव काश्मी को भी उन्होंने रूप दिखाया, बोले खबरदार बोलना नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य को भी उन्होंने षडभुज रूप में दर्शन कराया तब भी उन्होंने बोला किसको बोलना नहीं ये चीज बात को, सबको बोले सर काट दूंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य को भी उन्होंने भी दर्शन कराया षडभुज रूप में उनको भी, लेकिन महाप्रभु सबको बोला बोलना नहीं। लेकिन अगर कोई दिल खोल करके
हृदय से। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है बोला तो किसने बोला है उनको, किसने बोला है? श्री रूप गोस्वामी ने खोला रूप में उन्होंने क्या बोला, बोला अनर्पित चरेंचिरात परुणयाव तीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत उब सचिनंदन। जब उन्होंने महाप्रभु का असली स्वरूप का ये कौन है कहते ये स्वयं कृष्ण ही है, इसलिए कहते नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नम। ये श्लोक में भी उन्होंने कृष्ण को उन्होंने अपना उनको महाप्रभु का स्वरूप उन्होंने बोल दिया। लेकिन जब उन्होंने महाप्रभु को बोल दिया महाप्रभु ने कहा ये ज़्यादा अति स्तुति हो गया है, तुमने जो मेरे लिए बताया ना वो ज़्यादा स्तुति कर दिया। बोले ज़्यादा स्तुति नहीं है, बोले क्या है, स्फुरत उबे सचिनंदना हमारे हृदय में वो गौर हरि हमारे हृदय में स्फूर्ति हो। बोले जब बोले अति स्तुति कर दिया उन्होंने, बोले नहीं जैसे हमने सुंदर कोई है ये बनाया जैसे शरबत बनाया, लेकिन जैसे पानी दिया मिश्री दिया उसमें नींबू भी दिया, अगर उसमें थोड़ी सी कर्पूर दे दिया ना उसमें सुगंध आ जाती है। बोले उसमें माना उन्होंने कर्पूर डाल दिया है, मतलब महाप्रभु का स्वरूप को उन्होंने बता दिया है। इसलिए ये जो रूप गोस्वामी के चरण में कहते उन्होंने उनके हृदय में कहाँ पर, बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम महाप्रभु को जो इच्छाओं को प्रकाश किया उनने कहाँ पर उनके हृदय में स्फूर्ति किया। इसलिए गुरुदेव कहते थे प्रयाग में इन्होंने श्री रूप गोस्वामी को उपयुक्त जान करके, बोले देखो भक्ति समुद्र जिसका कोई अथा जिसका आर पार कुछ नहीं, लेकिन मैं उसका तुमको एक केवल बूंद चखवाऊंगा। लेकिन तो उन्होंने एक बूंद चखवाया उनके लिए, लेकिन हमारा लिए ना ये अमृत है, हमारे लिए अथा है। उदाहरण देते हैं जैसे रसगुल्ला खाओ, जब रसगुल्ला खाते हो ना देखना ये दोनों धार से एक आग टपक निकल जाती हैं, तो निकल तो जाती हैं लेकिन ये चिट्टा चिट्टी के लिए बहुत है। हम भी ऐसे चिट्टा चिट्टी हैं, महाप्रभु तो इनको बोले एक बूंद चखवा रहा हूँ लेकिन हमारे लिए ना वो इतना इतना। इसलिए गुरुदेव कहते थे इन्होंने श्री रूप गोस्वामी का हृदय में उन्होंने सब कुछ उन्होंने रूप गोस्वामी के हृदय में उन्होंने स्फूर्ति प्राप्त कराया। इसलिए गुरुदेव कहते थे जैसे एक पिताजी की जैसे बहुत बड़ा बिजनेस हो, चार पांच बच्चे हो, लेकिन वो बिजनेस बाद ट्रेजरी का चाबी किसको देते हैं, वो सबको नहीं देते हैं, वो उपयुक्त व्यक्ति के ही वो ट्रेजरी का चाबी देंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हैं कहते ये चाबी काठी किसको हाथ में दिया, ये रस की भंडार किसको उन्होंने प्रदान किया चाबी काठी, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने ये चीज दिया। इसलिए हमारे श्री अभी कहते ना जम कली रूप शरीर ना धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठारी को कौन उघाड़ तो, अगर ये रूप गोस्वामी नहीं होते है ना महाप्रभु कौन क्यों आए किस लिए आए, उनको क्या विशेष अवधान है, जीवों को देना क्या चाहते थे, अगर ये महापुरुष नहीं आते तो हमें पता नहीं चलता था। इसलिए गुरुदेव कहते थे महानिधि कुठरी को कहते ये प्रेम का जो भंडारी है। गुरुदेव कहते उसमें विशेष करके दो कपाट था, कहते दो कपाट कौन है, उन्होंने विशेष करके हमारे संप्रदाय में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ दिया है लेकिन विशेष कर दो ग्रंथ का विशेष महत्व गुरुदेव कहते थे, एक है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा ग्रंथ है उज्ज्वल निर्मल। ये जो दो ग्रंथ है ना ये हमारी संप्रदाय में ये दिव्य ग्रंथ है। अगर इसी जगत में किसी को अगर रस तत्वों को पर में किसी को बोलना हो कहते जब तक श्री रूप गोस्वामी का ग्रंथ से कोई श्लोक उद्धृत नहीं करते हैं तब तक उनका रस विषय में पूर्ण नहीं। यहाँ पर जो बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ज्ञानी मानी वृंदावन बड़े बड़े वक्ता हैं लेकिन इनके ग्रंथ के बगैर कोई बात बोल ही नहीं सकते हैं, कोई बात बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ तो उनने सभी के लिए हैं, सभी के लिए मतलब जो शांत दास सख्य वात्सल मधुर सभी के लिए ये ग्रंथ दिया है। लेकिन गुरुदेव कहते थे जो उज्ज्वल निर्मल जो ग्रंथ है ना कहते ये सभी के लिए नहीं है। रूप गोस्वामी खुद बोल देते ये ग्रंथ को सभी नहीं पढ़ना, बोल देते भैया ये ग्रंथ को तुम पढ़ना नहीं जो सभी, बोले कौन पढ़ेगा, बोले वही लोग पढ़ना जो श्री श्रृंगार रस के उपासक है, राधा कृष्ण को जो उपासना विशेष करके वही लोग ही ग्रंथों को पढ़ सकते, क्यों वहाँ पर तो उज्ज्वल रस की दिव्य उज्ज्वल रस के दिव्य प्रकाश है। इसलिए हम लोग इनके तो बहुत बहुत कथा है, फिर हम लोग शाम को भी
उनके विषय के ऊपर बहुत बहुत कथा सुनेंगे। हम लोग क्यों रूपानुगत तो बोल करके अपने आप को हम अभिमान क्यों करते हैं? जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिस प्रेम के लिए कठोर तपस्या की, जिस प्रेम के लिए लक्ष्मी भी अभी तक बैठ करके बेलवन में तपस्या कर रहे हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए उद्धव भी घास बनना चाहते हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए शंकर जी गोपी रूप धारण करते हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा स्वयं पत्थर रूप बनना चाहते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के और श्री रूप गोस्वामी आकर के उन्होंने मुक्त हस्त में उन्होंने वो प्रेम को प्रदान किया है, मुक्त हस्त में ये प्रेम को प्रदान किया है। इसलिए क्या चीज है ये चीज को हम शाम को अच्छे तरह से हम ये चीज को व्याख्या करते हुए सुनेंगे, ये रूपानुगत क्या है। इसलिए हम लोग इनकी चरण में बहुत बहुत ऋणी हैं। अगर ये महापुरुष नहीं आते तो ये रस कभी भी हम लोग ये रस की बूंद को कम से कम प्राप्त तो बड़े दूर की बात, कम से कम पता चलेगा तभी तो पाने के लिए कोशिश करोगे ना। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान, फिर विशेष विषय करके और भी भाग्यवान हैं हम लोग। हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज की धारा में हम लोग आए हैं, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। क्योंकि दूसरे दूसरे जो गौड़ीय मठ है ना, वो लोग कहते हैं अरे नारायण महाराज ये सब बात को सब जगह खोल कर बोलते हैं, खोल कर बोलते हैं। इसलिए कृष्णदास कबीरराज गोस्वामी कहते हैं अगर ये रस को मैं नहीं देता है ना, जगत किसको पता ही नहीं चलता रस क्या चीज है। इसलिए महाराज खुद कहते हैं हमारे महाराज जी अगर ये मैं बात को नहीं बोलूंगा दुनिया को पता क्या चलेगा। किस लिए महाप्रभु आए थे, क्यों आए थे, रूपानुगत तो किया है। इसलिए महाराज जी यहाँ पर तीन तीन हर साल में करके सारे गौड़ीय वैष्णव विद्वान को बुला बुला करके ये चीज को सुनाया करते थे, देखो हमारी संप्रदाय में क्या चीज देने के लिए श्री महाप्रभु रूप गोस्वामी आए। इसलिए हम लोग भाग्यवान हैं, हम लोग ऊपर में गुरु वैष्णव कृपा करे, एक दिन ना एक दिन उसका एक बूंद हमें अगर चखने का सौभाग्य मिलेगा तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। वंशा कल दुर्भ्य कृपा सिंधु पतितानंग पावन भो वैष्णव भो नमः। ओं अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। जिनकी कृपा से आज हम लोग इस श्री रूप सनातन गौरी मठ में उपस्थित हुए हैं, इसलिए गुरुदेव की कृपा से और जिनकी महिमा विरह महोत्सव पालन करने के लिए आज हम लोग इधर बैठे हैं, कुछ समय के बाद उनके भजन कुटीर में समाधि स्थल में जाएंगे पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी पाद श्री चरण सरोज में करोड़ों करोड़ धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अब तक हम लोग दो वक्ताओं के श्रीमुख से श्रवण किया, जो विरह महोत्सव पालन करने के लिए आज हम लोग आए हैं, इसलिए रूप गोस्वामी पाद का विरह तिथि। लेकिन किन की कृपा से हुई, इसलिए गुरुदेव की कृपा से हम लोग अभी श्रवण किया। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकाश किया, तो श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जेन भूतले नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका के मंगलाचरण में श्लोक के द्वारा उन्होंने रूप गोस्वामी पाद जी का आने का उद्देश्य वर्णन किया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् ददाति स पदांतिकम्। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है,
विदग्ध माधव ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद बताया, अनर्पित चरिं चिरा करुण है अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसं सभक्तिश्रियम। सभक्तिश्रियम मीन्स अपनी भक्ति की जो शोभा है, शोभा मतलब क्या है, मंजरी। श्री रूप गोस्वामी पाद कौन थे, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्मन। महाप्रभु के लीला में हमको श्री रूप गोस्वामी पाद को प्राप्त हुआ, लेकिन राधा कृष्ण के लीला में श्री रूप गोस्वामी पाद कौन थे, श्री रूप मंजरी। तो इसके हमारे सिर पर एक श्लोक लिखा है, श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म। तो रूप मंजरी का सेवा क्या है, काल पूज्यपाद माधव महाराज जी ने उन्होंने बताया। तो लेकिन श्री रूप मंजरी उन्होंने राधा कृष्ण के निकुंज लीला में प्रवेश करके इस लीला में भाग लिया, लेकिन हमें उन्होंने क्या दिया, ये तो लीला के अंदर में चले गए। तो जो जिम्मेदारी था श्री रूप मंजरी पाद ने नहीं निभा सका, लेकिन जब महाप्रभु के परिकर बनकर श्री रूप गोस्वामी पाद रूप में आए हैं, उन्होंने हमें प्रकाश किया। क्या प्रकाश किया, पहले तो उन्होंने जो प्रणाम मंत्र हम रोज उच्चारण करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र क्या है आप सब जानते हैं, नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिशे नमः। नमो महाबदन्नाय, ये महाबदन्न अवतार है। क्या उन्होंने दान किया, कृष्ण प्रेम प्रदायते, उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया के चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु कौन है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, ये खुद कृष्ण है, लेकिन कृष्ण होने पर भी उन्होंने तो लीला की है, लेकिन जगत जीव के लिए उन्होंने क्या शिक्षा दिया। चैतन्य चरितार्थ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, उन्होंने जब इस जगत से अंतर्धान हो गई, अंतर्धान होने के बाद उन्होंने सोच रहे हैं, चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, प्रेम बिना जगते नहीं अधिष्ठान। तो मैंने प्रेम भक्ति प्रदान नहीं किया तो एक जगत जीव के लिए कैसे प्रदान करूं, लेकिन आमी भी ना अन्न नारे ब्रज प्रेम दीते, मैं इलाहाबाद दूसरा कोई है नहीं जो प्रेम को प्रदान करे। इसलिए उन्होंने राधा जी का भाव और अंगकांति लेकर के उन्होंने इस जगत में आए। तो क्यों, राधा जी क्या करते हो, कृष्ण प्रेम आस्वादन करते हैं और उन्होंने शिक्षा भी देती है, किस प्रकार से, अपनी सेवा के द्वारा। जो राधा जी के अंदर में जो कृष्ण के अलावा कुछ है नहीं, वो हमारे जो लक्ष्य है, जो गोल है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। लेकिन ये कृष्ण प्रेम की चाबी किसके हाथ में है, राधा जी का हाथ में है। लेकिन राधा जी का जो भाव है, उस भाव को जीव को देना पड़ेगा। तो कैसे प्रदान करूँ, तब राधा जी का भाव और अंगकांति लेकर के उन्होंने गौर वर्ण धारण किया, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्ण रूपी चेतना प्रदान करेंगे। तो उसका वर्ण क्या है, गौर वर्ण, जो वर्ण राधा जी का वर्ण था। तो अभी देखो इस प्रणाम मंत्र के अंदर में महाप्रभु का पूरा रूप हम लोग को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि महाप्रभु ने जब रूप गोस्वामी पाद को प्रयाग में शिक्षा दी थी, पारावासून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु तुम्हार चाखा है कोई एक बिंदु, एक बूंद दिया, लेकिन रूप गोस्वामी पाद एक बूंद लेकर उन्होंने क्या किया, भक्ति रसामृत सिंधु के रूप दिया, मतलब द ओशन ऑफ नेक्टर ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो ओशन जो है, जो महासागर है, वो तो पारावासून्य, उसका कोई नाप नहीं हो सकता, हम नाप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको उन्होंने एक रूप दिया। तो महाप्रभु के आने से पहले ईश्वरी पूजीपाद के अंदर में हम लोग के की शुद्ध भक्ति का प्रभाव देखा, माधवेन्द्र पूजीपाद के अंदर में देखा, लेकिन इससे पहले शुद्ध भक्ति ज़्यादा नहीं था। लेकिन महाप्रभु जब ईश्वर पूजीपाद के चरण में दीक्षा लेकर के नवोद्वीप धाम में आए, तब उन्होंने कृष्ण प्रेम में मातुआरा होकर के कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते उन्होंने नवोद्वीप में प्रवेश किया। तब सारे वैष्णव जगत देख करके हतचकित हो गई, जो विद्या विलासी निमाई पढ़ाई के लिए कितना सबके पीछे मतलब दौड़ते थे, ये प्रश्न करते थे, पूछते थे और सब डर के मारे भागते थे,
वही महाप्रभु विद्या को छोड़ करके क्या प्रेम में विभोर होकर उन्होंने एक भूमि पर लोटपोट खा रहे हैं। तो इस भाव को देख करके सब वैष्णव पूरा नवद्वीप वासी पूरा परिवर्तन हो गया। हाँ, गदातत्त पंडित बचपन से बोलते थे तुम इतना पंडित हो लेकिन जब कृष्ण भक्ति करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तो महाप्रभु क्या बोलते थे, अरे होगा होगा, धीरे धीरे होगा। तो वही महाप्रभु को ये उन्होंने जो भाव प्रकाशित किया, अभी श्रीधर महाराज ने बताया जो रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ के अंदर में सारी चीज बताए। तो इन्होंने परिभाषा दी है जो हम देख रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। जो भक्ति के बारे में हम बताते हैं तो भक्ति क्या चीज है, उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने बताया। और इसके बाद तो महाप्रभु का जो हृदय है, हृदय में क्या चलता है ये रूप गोस्वामी खुद पाता है। जैसे दर्पण की तरह महाप्रभु एक बार रथ यात्रा के समय जब नृत्य कर रहे थे तो नृत्य करते करते एक साहित्य दर्पण का एक मांडन श्लोक उन्होंने बार बार उच्चारण कर रहे थे, यह कौमार हर से अवही एवही बरसता। लेकिन सर्वदा मत जानते थे लेकिन और किसके लिए बार बार बोल रहे थे, तो उस समय रूप गोस्वामी पाद थे, कहीं किसी को पता नहीं। रूप गोस्वामी इस श्लोक को सुन लिया, सुन करके उन्होंने हरिदास ठाकुर के कुटिया में जा करके एक चीट को लेकर के वहाँ पे लिखा है, प्रिय सोहं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा अहं सराधा तदम उभयम संगम सुखम तथा अपियंत खेलन मधुर मुरली पंचमुज से मन में कालिंद पुलिन विपिनाय स्प्रियती। इस श्लोक में जो महाप्रभु का जो भाव है, जो रथ यात्रा का जो भाव है, गुरुजी जो सुंदर रूप से रथ यात्रा जो किताब है वहाँ पे सुंदर रूप से उन्होंने वर्णन किया, ये रूप गोस्वामी पाद की कृपा से इतने गंभीर भाव हमें मिला है। लेकिन ये रूप गोस्वामी पाद कौन मिला है, हमारा श्री गुरुपाद मन श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। बोले श्री गुरुपाद मन श्री नारायण गोस्वामी महाराज की, तृतीय जन्म शतवार्षिकी महामहोत्सव की, श्री रूप गोस्वामी पाद की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिविरंध्रस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीतांजनतस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महावदन्नय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे देव। हमी सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद विष्णुपाद नित्यलपिष्ट भक्ति वदांत बामन गोस्वामी चरणे षष्ठांग दंडवत ज्ञापन करी, तत्पश्चात ओम विष्णुपाद नित्यलपिष्ट भक्ति वदांत नारायण गोस्वामी चरणे षष्ठांग दंडवत ज्ञापन करी, एवं सभाते उपस्थित भक्ति वदांत माधव महाराज, भक्ति वदांत श्रीधर महाराज, भक्ति वदांत नारसिंह महाराज, भक्ति वदांत परमहंस महाराज एवं अन्यान्य सबाई के दंडवत ज्ञापन करी। तो रूप आमरा किसुकन पूर्वे श्रवण करलाम, ओ बांग्ला बांग्ला बोलते बोलते हमारा आदत हो गया, दो साल से बांग्ला बोलते आ रहा हूँ बंगाल में। अभी हमको मालूम नहीं है जो हम रूप सनातन में आ गया, अब तो मैं सोच रहा हूँ मैं बंगाल में ही हूँ। इसलिए तो अभी हम लोग ने श्रवण की ये रूप श्रीपाद श्रीधर महाराज जी रूप गोस्वामी के चरण में सुंदर पुष्पांजलि प्रदान किए हैं। तो ये रूप हम लोग का क्या रूप है, रूप देने वाले है। श्रीधर महाराज ने सुंदर कहा जो रूप गोस्वामी क्या प्रदान करते हैं, ना रूप प्रदान करते हैं, रूप देने वाले हैं। सो क्या रूप, क्या रूप देते हैं, बहुत प्रकार के रूप है, प्रेम रूप, भक्ति रूप, भाव रूप, निष्ठा रूप, आसक्ति रूप, भगवत आसक्ति रूप, बहुत प्रकार के रूप देने वाले हैं। पूर्णमासी ने
शिव ठाकुर को रूप दिया था, क्या रूप दिया था? गोपी रूप दिया था, लेकिन रूप दिया भाव नहीं दिया। शिव ठाकुर को गोपी रूप तो दे दिया, लेकिन भाव दिया था? गोपी भाव दिया था? नहीं दिया। लेकिन रूप गोस्वामी ऐसा है, ये रूप देने वाले भी है और भाव देने वाले, दोनों ही देने वाले हैं। सिर्फ रूप रूप नहीं, रूप के साथ भाव भी देगा। तो हम लोग को क्या रूप चाहिए? हम लोग को सर्वप्रथम भक्ति रूप, प्रेम रूप चाहिए। तो वो प्रेम रूप भक्ति रूप में डुबकी लगाने पड़ेगा। तो कहाँ डूब देने पड़ेगा? रूप सागर में डुबकी लगाओ। वो भक्ति रूप जिसको चाहिए उसको क्या करने पड़ेगा? ना रूप सागर में डुबकी लगाओ। रूप सागर कहाँ मिलेगा? ना भक्ति रसामी तो सिंधु, ये है रूप सागर। ये भक्ति रसामी तो सिंधु में डुबकी लगाओ, आपको रूप मिल जाएगा। तो ये रूप मिलने के लिए क्या करने पड़ेगा? रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अन्ना भिलासिता शून्यम, ये सागर में डुबकी लगाओ। ये सागर का चार भाग है। रूप सागर, जो रूप ने जो सागर प्रकाश किया है, भक्ति रसम जो सिंधु, ये सिंधु जो सागर है, इसको चार दिशा है। तो सर्वप्रथम करे अन्ना भिलासिता शून्य। यदि हमको भक्ति रूप चाहिए, भक्ति रूप जिसको चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा? ये रूप हम लोग का अपना रूप नहीं है, ये तो ये अपना रूप भी नहीं है, ये अपना अहंकार भी नहीं है। हमारा जो ये रूप है, ये मनुष्य शरीर जो है, ये शरीर भी नहीं है। शरीर का जो तो हमारा जो अहंकार है ये भी नहीं है। ये भाव जो है इसका अंदर, ये भाव भी हमारा नहीं है। तो रूप गोस्वामी हमको रूप देने वाले है और भाव भी देने वाले है, अहंकार भी देने वाले है। इसलिए सर्वप्रथम क्या करने पड़ेगा? ना अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावृत्तम आनुकल्य न कृष्ण अनुसरणम भक्ति उत्तम। ये चीज रूप सागर में डुबकी लगाने के लिए, रूप गोस्वामी का कृपा प्राप्त करने के लिए रूपानुग्रह हम होने चाहते हैं। रूप गोस्वामी से हम रूप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अन्नाभिलाषिता शून्य होना पड़ेगा। अन्नाभिलाषिता शून्य है क्या? एकमात्र कृष्ण भक्ति छोड़ के दूसरा हम कुछ कर्म नहीं करेंगे। कर्म कौन लोग करता है? वैष्णव लोग जो है कर्म नहीं करते हैं। वैष्णव कर्म नहीं, वैष्णव के अंदर कर्म नहीं है। यदि कोई बोलते हैं जे ये वैष्णव होके कर्म करा, ये कोई वैष्णव का कोई दुख हो रहा, कोई कष्ट हो रहा, मानो वैष्णव का भी शरीर खराब होता है। और कोई यदि बोलता है ये साधु है, ये वैष्णव है, हरिभजन करता है, ये कर्मफल भोग कर रहा है, तो उसको अपराध होगा वैष्णव का चरण में। क्यों ना वैष्णव जो है कर्मफल भोग नहीं करता है, क्यों ना वैष्णव कर्म करते भी नहीं, फिर कर्मफल कहाँ से? एक कृष्ण नाम अजामिल, अजामिल का नाम आप लोग ने सुना है, बोले अजामिल का जो पुत्र था, छोटा पुत्र, जिस दिन कृष्ण नाम, वो एक भक्त ने अजामिल का पुत्र का नाम रखा था नारायण। तो अजामिल सर्वप्रथम जो नारायण शब्द उच्चारण किया था, सर्वप्रथम नारायण मेरे गोद में आ जाओ, ऐसा जो उच्चारण किया था, वो एक नारायण शब्द में अजामिल का पूर्व पूर्व जन्म का जितना पाप है, इस जन्म का जितना पाप है, बाद में जो भी पाप किया था, कोई पाप भी अजामिल को स्पर्श नहीं किया था। तो कृष्ण नाम में इतना पावर है, इतना शक्ति है। ताई रूप गोस्वामी कह रहे हैं ये कृष्ण नाम जो है सीता है, सीता मतलब बहुत मीठा है। कृष्ण नाम रूप आदि सीता ओपी, कृष्ण नाम ये उपदेशा मृत तो मैं अभी मैं पढ़ रहा था, उसको ही बता रहा था आपको। तो ये कृष्ण नाम रूप गुण लीला क्या है ना, सीता ओपी, सीता मतलब मिश्री मीठा, बहुत मीठा। ये लाबड़ी रसमलाई जैसा है, हमारा पास भी लाबड़ी रसमलाई आ जाए तो हमारे जीभ में पानी आ जाएगा, लेकिन कृष्ण नाम गुरु से प्राप्त करने से में जीभ से पानी नहीं आता है, जीभ अटक जाता है कृष्ण नाम करने में। क्यों ना ये मीठा होने से भी, रूप गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण नाम मीठा होने से भी हमारा जीभ में पानी नहीं आता है, इसमें लोभ नहीं होता है, कृष्ण नाम करने में हमारा रुचि नहीं होती है। क्यों? कारण क्या है? ना पित्त रस, जीव में पीत रस है, पीत रस मानते
जिम में ऐसा एक रस है जो हम जो भी खाते हैं सब कड़ुआ लगते है। वो पित्त रस होने के कारण हम ये मीठा कृष्ण नाम पान करने से, कृष्ण नाम करने से भी आनंद नहीं मिलता है। आनंद नहीं होने से खाने में रुचि नहीं आएगी, इसलिए आनंद चाहिए। तो पित्त रस को दूर करना पड़ेगा। पित्त रस कैसे दूर होगा? दवाई खाओ। दवाई खाने से रोग, पित्त एक बीमारी है, रोग है, तो रोग को पिलिया बीमारी है, जॉन्डिस पिलिया एक बीमारी है। तो बीमारी को दूर करने के लिए दवाई खाने पड़ेगा। दवाई खाओ और डॉक्टर ने जो विधान देते हैं वो नियम का पालन करो तो दूर हो जाएगा। तो दवाई देने वाले डॉक्टर कौन है? दवाई क्या है, डॉक्टर क्या है? तो रूप गोस्वामी है डॉक्टर, और दवाई देने वाले भी है और डॉक्टर भी है। रूप गोस्वामी जो दवाई दिया है, भक्ति रसामी तो सिंधु जो रस है, ये उपदेशा मृत है, ये उपदेशा मृत ये दवाई है। ये उपदेशा मृत पान करो, ये बीमारी दूर हो जाएगा। जय रूप गोस्वामी की जय, जय गुरु वैष्णव की जय, निदाय गौर गोमानंदे हरि हरि बोल वांछा कल्पतरु वैश्य के पास। अब सिद्धि कृष्ण प्रभु 7 मिनट। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं ब्रजमाथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो जस्य प्रथीत कृपया श्रीगुरूं तं नतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सभा के मूल प्रवर्तक मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवती प्रणवती ज्ञापन करते हुए मैं उपस्थित त्रिंडीपाद गण एवं माताएं बहनें, बड़ी उल्लास का विषय है कि हम लोग झूलन उत्सव मना रहे हैं। झूलन उत्सव के बाद आज द्वादशी तिथि को श्री रूप गोस्वामी पाद का तिरोभाव। ये झूलन उत्सव उल्लास का क्यों है विषय? हैं, कल गा रहे थे ना, डालो 16 श्रृंगार, हाँ डालो 16 श्रृंगार ओढ़ो नैनन कजरा, ओढ़ो डालो नैनन कजरा, पहनो पचरंग साड़ी ओढ़ो शाम चदरा। ये शाम क्या है? ये काला वो कोले वाला काला रंग नहीं है, ये शाम, ये गाढ़ा पानी से भरा हुआ जो बादल होता है, हैं, मेघैर मेदुरंबरम बनबुवा मालती तमस्त माले। तो ये वो श्याम वर्ण है जो श्रृंगार रस की ओर इंगित है। महाराज जी ने रसगुल्ले की बात कही, वैष्णव महाराज जी ने मिश्री की बात कही,
ये मिश्री और रसगुल्ला है क्या? ये कृष्ण है स्वयं, द्वादश रसों के आधार हैं। और रस ही तो हमें चाहिए, हम भी संसार के झूले में झूल रहे हैं। छह वेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भी तो एक झूला है। इधर गए काम प्रबल हो गया, उधर गए क्रोध प्रबल हो गया, झूला बीच में ही है, बड़े सारे वेग और आ गए। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, डालो सोला श्रृंगार, पहनो नैनन डालो नैनन कजरा, ओढ़ो पच रंग साड़ी श्याम चदरा। ये पांच रंग कौन से हैं? राधा जी ने पच रंग साड़ी पहनी है, श्याम वर्ण उसमें है, उसमें लाल रंग भी है। किसको इंगित कर रहा है? हमारी कृष्ण के प्रति रति को इंगित करता है, हमारे भाव को इंगित करता है। सुबह सुबह मंगला में हम गाते हैं ना, जाकू को हृदय मोर सुमंगल रति। ये क्या है? ये कृष्ण के चरणों में रति है। जब रति उदित हो जाती है तो हमारी भक्ति साधन भक्ति नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? भाव भक्ति कहलाती है। उसके बाद अनुराग, गुलाबी रंग है। महाराज जी वो वहाँ पर गाते हैं ना गुलाल कुंड में, आज बिरज में होली रे रसिया, स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ सारे पक्ष, कृष्णोत्सव में, इस झूलन उत्सव में, इस रास उत्सव में सब एक हो जाते हैं, अपना स्वपक्ष विपक्ष आदि सब भूल जाते हैं। लेकिन हम लोगों पर ऐसा वज्र लेप हो चुका है कि अपनी प्रतिस्पर्धाएं नहीं भूलती, अपने वैमनस्य हमसे नहीं भूलते हैं। और इधर उड़त गुलाल लाल भय बदरा है, गुलाल उड़ा, अनुराग का रंग उड़ा और लाल भय बदरा, सारा वातावरण लाल हो गया। कृष्ण के प्रति जो हमारी प्रीति है, जो प्रारंभ कहाँ से हुई है? हमारे गुरुदेव से, हमारे वैष्णवों से, जिनके चरणों में हमारी प्रीति है। गुरु और वैष्णव ही अगर हमें प्रीति नहीं करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो क्या हम कृष्ण चरणों को पाएंगे? नहीं। लेकिन सदगुरु सद वैष्णव भेद नहीं करते। जैसे वैष्णव महाराज जी कह रहे थे ना कि वैष्णव लोग कर्म नहीं करते, कर्म तो नष्ट हो चुके हैं। वैष्णवों का क्या अजामिल, जो अश्रद्धा नामाभास उच्चारण कर रहा है उसका ही कर्म नष्ट हो चुका था। वैष्णव तो बहुत ऊंची पदवी है, और उससे भी ऊंचा ये झूलन उत्सव है, और उससे भी ऊंचा रूप गोस्वामीपाद का तिरुभाव है। हैं, कौन है रूप गोस्वामीपाद? क्या हम उनको जानने की योग्यता रखते हैं? हैं, जब हम लोग मठ में प्रारंभ में आए, सुबह भजन होता था, कृष्ण देव भवन तम वंदे, मनमानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। अभी नींद में है, मैं तो सुबह 9 बजे तक सोता था, हैं, और ये कान में जा रहा है, क्या कान में जा रहा है? मनमानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। किसने ऐसा चरण आपके चेहरे आपके सिर पर रखा कि आपका मन जो है मधुकर हो गया? अब विद्यमान करी बंध, अब मधुकर को कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे क्या चाहिए? ये अप्राकृत रस चाहिए जो झूलन उत्सव में उदित होता है। कृष्ण रंगनायक हैं, रंगेश्वर हैं, रास बिहारी हैं। कब हैं? जब श्रृंगार रस में प्रतिष्ठित होकर के सखियों मंजरियों के साथ राधा जी के साथ हैं। ये झूलन उत्सव है। क्या इसको मनाने के लिए हमारे में योग्यता है? अभी तो हम मनुष्य बने हैं कि नहीं बने, मेरे को तो इसमें भी संदेह है। हाँ, अभी तो हमें वैष्णव और पंच उपासकों में ही भेद नहीं मालूम। किसी ने शिव जी को मान लिया, किसी ने दुर्गा जी को मान लिया, हैं? क्या उनको मानने से, उनमें भेद ना करने से और वैष्णव में भेद ना करने से हम रूप गोस्वामी पाद की महिमा को जान पाएंगे? हैं, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं, श्री रूप पदे आचय इहा
भक्ति विनोद दास। क्या प्रारंभ है? नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण राम नामे, नाम अमनी उदित होए। अमनी, अमनी क्यों कहा गया? साथ ही साथ यकायक शीघ्र ही नाम उदित हो गया। कलयुग की उपासना धर्म क्या है? कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करना है। कोई यज्ञ नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई परिचर्या आदि नहीं करनी। मात्र क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब आए गुरुजी को देखने के लिए। गुरुजी आप सुबह प्राणायाम क्यों नहीं करते? तो गुरुजी बोले, भाई हम प्राणायाम वगैरह नहीं करेंगे, हमें तो अगर हाथ ऐसे करना होता है तो हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खुजली आ जाती तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम यही हमारी उपासना है, यही हमारा साधन है। लेकिन कह देना आसान है। अगर भक्तिवे ठाकुर जब लिख रहे हैं नाम अमनी उदित होए भगत गीत सामे, अमीय धारा बरिशे घन, श्रवण जुगले गिया भक्त जन सघन नाचे, भरिया अपन हिया है। नाम अमनी उदित हुआ, साथ ही साथ उदित हुआ, हम घर परिवार अपना बंधुओं सबको भूल गए और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। यही तो हमारी उपासना है कलयुग में। हमें कौन सी शुद्ध देसी गाय ला करके उसका शुद्ध घी ले करके और फिर यज्ञ करने हैं? नहीं, यही हमारी उपासना है। सुबह शाम रात दिन बैठते उठते खाते पीते हरिनाम उच्चारण, यही रूप गोस्वामी पाद का मुख्य अवदान है कि उन्होंने जितना भी ग्रंथ उपदेशामृत भक्ति सामत सिंधु उज्जवल नीलमणि इनको संपादित किया। इसमें केंद्र में क्या है? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगावी कालम नएद अखिलम इति उपदेश सारम। मूल हरि नाम है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप लोगों ने विभिन्न वक्ता से रूप गोस्वामी महिमा श्रवण की। मैं तो चाह रहा था गोकुल प्रति प्रभु बोले अजय प्रभु अजय पायलट, किंतु अभी समय नहीं, हम लोगों को तो जाना है, वो लोग बाद में बोलेंगे, शाम को है और सब बोलेंगे। ये रूप गोस्वामी पाद, ये रूप गोस्वामी पाद जहाँ भजन करते थे टेढ़ कदम, उसमें गुरुदेव सबको क्यों आने के लिए कहते थे? टेढ़ कदम का तात्पर्य जिन कदम के पेड़ पर चढ़कर कृष्ण गौओं को पुकारते टेढ़ते, अर्थात पुकारना, सखाओं को पुकारते टेढ़ते, गोपियों को पुकारते। इन लोगों तो दिन में पुकारते, गोपियों को रात को पुकारते, विशेष करके श्रीमती राधा ठाकुरानी को पुकारते। ये टेरना अर्थात पुकारना, इसलिए नाम हुआ टेढ़ कदम्ब। ये टेढ़ कदम्ब की महिमा क्या है? स्वयं कृष्ण बताया अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परजुपासते तेषाम नित्याभिजुक्ता नाम योगक्षेम वहामहम। कृष्ण कह रहे जो अनन्य होकर जो मेरी आराधना करते हैं उनका जो नहीं है उसको मैं खुद अपने कांधों में ढोके दे आता हूँ, योग क्षेम जो है उसका रक्षा करता हूँ। जैसे आप लोग गीता के टीका में अर्जुन मिश्र का देखा, विशेषकर हमारे संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी के लिए कृष्ण उनका क्या खाते नहीं थे, किसी को मांगते नहीं, खुद दूध लेके दे गए। ये क्या है? योग। राधा जी क्या कमी है? राधा जी गौड़ियों के आराध्या, अमन की संग ब्रजनंदन श्याम सुंदर के भी आराध्या है, उनके आराध्या है, और किस विषय में कमी है? तो राधा जी क्या उनको कृष्ण के चुनौती दिया टेढ़ कदम में? बहुत बहादुर हो गया, युवराज हो गया क्या? जो हमारा अन्न चित्त होकर भजन करते हैं, जो नहीं है ढोके दे आता हूँ, क्या बहादुरी कर दिया तुमने? राधा जी क्या किया? देखो मेरी कितनी ममता है, ममता ही भजन की मापकाठी है।
जिनके अपने गुरु जी के चरण में, गुरु सेवक के चरण में, वैष्णव के चरण में जितनी ममता होगी उतनी ममता ठाकुर जी के प्रति होगा। ये ममता सबसे पहले ये होकर नित्यानंद महाप्रभु, जो महाप्रभु चरण में ममता होगी, यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे तो भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा हृदय अकस्मात राधा पदम्बोज सुधाम्बु राशि। जब महाप्रभु चरण में जितने परिमाण में भक्ति होगी उतने परिमाण में राधा जी के श्री चरण में ऑटोमेटिक हो जाएगा। राधा जी कृष्ण को चुनौती दे रहे, तुम क्या बहादुरी किया तो दूध ला के दे दिया, कभी बना के खिलाया ये तो कभी किया नहीं, तुम्हें बनाना तो आता नहीं, बनाओगे क्या। जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों मिल के हरि कथा कह रहे थे, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, गुरु भी हैं। रूप गोस्वामी मनीमन चिंतन किया, हो मेरे बड़े भाई हैं, गुरु है, आए हैं, घर में तो कुछ है नहीं, क्या खिलाऊंगा। हरि कथा करते करते समय बीतता गया, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। गुरुदेव कहते टाइम टाइड एंड डेथ वेट फॉर नन, समय समुद्र के लहर और मौत किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करते। जैसे आप लोग जानते हैं कोरोना का दूसरा लहर समाप्त हो रहा है, तीसरे कब आएगा कोई पता नहीं है, क्योंकि वो किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करते। ऐसे राधा जी क्या किया, जब दोनों भरी कथा बोल रहे हैं राधा जी का रहा नहीं गया, मतलब मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठा मि नारद। कृष्ण कह रहे नारद जी से, मेरा भक्त जहाँ मेरा नाम रूप गुण लीला का गुणगान करते हैं मैं वही चला जाता हूँ। राधा जी कम है, राधा जी के गुणगान रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कर रहे हैं, राधा जी आ गई साधारण एक ब्रज बालिका का रूप बना करके। आके क्या है बहाना, दूध लेके आई, बहाना क्या है, वो सुनना है गुणगान, सुनह निज गुणगान। भक्त ठाकुर कह रहे हैं ना, श्री राधा कृष्ण पद कमले सुनह निज गुणगान। राधा जी अपने गुणगान सुनने के लिए आ गई ब्रज बालिका के रूप में, वो लोग ध्यान नहीं दिया। तो राधा जी देखा मुझे पहचान ना ले, कुछ बात करना पड़ेगा। बाबा तुम लोग कब से कथा कह रहे हो, तुम लोग कुछ भोजन नहीं करना है, ध्यान नहीं दे रहे। देख बाबा मेरी माँ ना दूध शक्कर और चावल भेजा, लो मैं चलती हूँ, खीर बना के ठाकुर जी को भोग लगा के खा लेना। ये बाबाओं का समय कहाँ किसी के बात सुनने के लिए, ध्यान नहीं दिया। फिर बोले बाप, वो भी खड़े के सुनने लगी, बोले बाबा मैं बना दूँ, लेकिन बाबा मैं ना देर नहीं कर सकती, देर करूँगी मैया डांटेगी। क्या किया, कहाँ से आग जलाई, क्या किया, मुहूर्त में बना दिया। बना के बोले बाबा मैं चल पड़ी, देर करूँगी ना मैया डांटेगी। अब चले गए, अब बनाया कौन, कृष्ण के आराध्या गौड़ियों के आराध्या श्रीमती राधा ठाकुरानी। भोग लगा रहे कौन, रूप मंजरी रूप गोस्वामी पाद। किसको लगा रहे हैं, श्याम सुंदर को। भोग लगाने के बाद किसको दिया, सनातन गोस्वामी को। जब भी सनातन थोड़ा सा मुख में लगाया, उनके श्रीअंग में अष्ट सात्विक विकार का उद्भव हो गया, हर्ष कंप रोमांच सर्वेद विवर्ण, कांपने लगे, कुछ बोल नहीं सके। तरूप तुम कुछ सोचा था क्या, हाँ सोचा था, ये बोलो हमारा कर्तव्य क्या है, राधा जी की सेवा करनी है कि राधा जी के द्वारा हमारा सेवा करानी है। बोले नहीं, राधा जी की सेवा करनी है। बोले क्यों, जो खीर बनाया है ये राधा जी का बना हुआ है, क्या चिंतन किया था, आप मेरे गुरु हैं, बड़े भाई हैं, घर में तो कुछ है नहीं और माधुपुरी जाने का समय भी नहीं, कुछ होता तो खिलाता, इतना ही चिंतन किया था। बोला आइंदा से मत करना, अब प्रश्न हो सकता है, आज नहीं काल नहीं परसों वर्षों में कोई पूछेगा, जो लोग सुन रहे हैं रूप गोस्वामी को, सॉरी सनातन कैसे पता चल गया ये राधिका जी का बना हुआ है। रूप गोस्वामी रूप मंजरी सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी अप्रकट लीला में प्रतिदिन वो क्या करते हैं, प्रकट लीला में भी जहाँ जहाँ लीला होती है राधा जी के साथ जावट से आकर नंद भवन में राधा जी रसोई बनाती। कृष्ण के भजन के उपरांत राधा जी सखिया के बाद मंजरियों को प्रसाद मिलता, प्रतिदिन उस प्रसाद को
ये मंजरी आसादन करती थी, इसलिए जब मुख में लगाया समझ गए जैसे गुरुदेव का कोई रिकॉर्ड बजा रही तो गुरु जी का कंठस्वर क्यों पहले सुना। ऐसे रूप मंजरी लवंग मंजरी पहले बहुत बार उस खीर का टेस्ट कर चुकी हैं, इसलिए बताया राधा जी का बना हुआ है। राधा जी कृष्ण को चुनौती दिया, क्या क्या तुमने लाके ढोके दे दिया, कभी बना के खिलाया? देखो मैं बना के खिलाया, इसलिए क्या है टेर कदम, इसलिए राधा जी तो चुनौती दिया और इसमें सब बना के खिलाया। और हैं ये देखिए रूप गोस्वामी पाद के जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे भागवत में 1 से 9वां स्कंद तक संबंध तत्व ज्ञान, उसके बाद 10वां स्कंद प्रयोजन तत्व, 11वां-12वां अविधेय तत्व, ऐसे ही रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं उसमें क्या है संबंध तत्व है, प्रयोजन तत्व, अविधेय तत्व। ये कौन सा संबंध तत्व, कौन सा प्रयोजन तत्व, कौन सा अविधेय तत्व बाद में बताएंगे, और क्यों जो गुरु जी से सुना ये बताएंगे। अभी हम लोगों को जाना है कहाँ, रूप गोस्वामी के समाधि और भजन कुटी, उधर जाके केवल हम लोग पूजा करके पुष्पांजलि देकर आ जाएंगे, क्योंकि पारण का समय हो गया है, 9:30 के अंदर पारण आप लोगों को कराना है, नहीं तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यही समाप्त कर, हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु भये वच पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे पहले बताया था राधा दास बिना मास्क के नहीं कर देते हैं, दूसरी बार चश्मा, जिसका चश्मा है जेब में रखने निकलने के पहले, तीसरी बात है अपने पास मोबाइल का संरक्षण करें। हम लोग तो इधर से निकलेंगे क्योंकि ये रास्ता बहुत खराब है। हरे कृष्ण, फोटो तो ले लेंगे।